से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 62,000 पॉइंट की सतह भेद कर गया। कारोबार के आगाज में 787 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 62,400 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 71 पैसे सस्ता हो गया। 284.25 रुपये पर ट्रेडिंग जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। 100 इंडेक्स 62,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया है। आपको बता दें, कारोबार के आगाज में 787 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स बढ़कर 62,600 पॉइंट्स की बुलंदतरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मुख्तस फंड्स की अदम फराहमी पर सख्त नोटिस ले लिया। फंड्स की अदम फराहमी पर सिक्योरिटी खजाना इमदाद बहसाल। इलेक्शन कमीशन तलब जराए के मुताबिक रवां माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। आपको बताएं, वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपये मुहैया किए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मुख्तस फंड्स की अदम फराहमी पर सख्त नोटिस ले लिया और फंड्स की अदम फराहमी पर सिक्योरिटी खजाना इमदाद बहसाल। इलेक्शन कमीशन रवां माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस हैं। एमकेएम के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने अपना काम दिखा दिया है, हमारा एक एतराज भी रिजेक्ट नहीं होगा। हम एमकेएम के किसी एक एतराज को एंटरटेन नहीं होने देंगे। हम इसको अफवाह समझते रहे, हमारी नालायकी थी, वो हकीकत बन के सामने आ रहा है बार बार। और अगर इस यकतरफा यानी पीपुल्स पार्टी ने जितने एतराजात किए वो सब कबूल कर लिए गए, ठीक है, और जितनी बाकी पार्टियों ने किए वो सब रिजेक्ट कर दिए गए। जनाब ये तो बाय डिजाइन है, इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो सिंध का है, उसके जो हेड है एजाज चौहान, वो मुकम्मल तौर पर पीपुल्स पार्टी के ख्वाहिश, उसके सियासी मफादात मकासिद के लिए जो कुछ पीपुल्स पार्टी उनके लिए कर सकती है वो पीपुल्स पार्टी कर रही है, और जो वो पीपुल्स पार्टी के लिए कर सकते हैं वो पीपुल्स पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो एक साफ और शफाफ इंतखाबात, सब के लिए काबिल कबूल इंतखाबात, अगर इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमतें इस मुल्क को नहीं दे सकी तो जिन बहरानों में ये मुल्क है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये इलेक्शन आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा अगर इसकी शफाफियत ना हुई, और शफाफियत होती भी नजर ना आए। इंतखाबात का गैर जानबदाराना होना ही नहीं, इसको नजर आना भी बहुत जरूरी है। अब नजर इसका जानबदाराना होना बड़ा वाजे होता जा रहा है। जी देखिए, दो बातें, हमने तो जो हमारे पास इत्तलात आ रही थी वो हमने उन तक पहुंचा दी है। तहकीकात और कराना उनका हक है, बल्कि उन पर फर्ज है। जहां तक हमारा मामला है, हम ये कह रहे हैं जो हमारे एतराजात हैं इसके अंदर जो बड़ी बड़ी आईनी कानूनी और इंतखाबी जो जरूरियात है, उस उन प्रिंसिपल्स को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करके आपने एक नए तरह की हलका बंदियां की हैं, इसकी वजाहत कर दीजिए ना। वो वाले मामलात जब ये यक तरफा तौर पर हुआ है तो जो कुछ हमें इत्तलात मिल रही थी वो हमने उन तक पहुंचा दी है। नहीं देखिए, दो बातें, हमने उनको बताया है हम ना अदालत है ना हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास इत्तलात है, उन इत्तलात को हमने पहुँचाया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, ये हमारा हक और हमारा फर्ज है कि जो हमें इत्तलात मिले और वो खदशात की शक्ल में तब्दील हो जाएं, ये खदशात अदालतों तक इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, वो हमने पहुंचा दिए। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमें नहीं करना है, नेक्स्ट अब इलेक्शन कमीशन को करना है।
हलका बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन में हमने अपने एतराजात बता दिए और हमें लगेगा कि इंसाफ की कोई उम्मीद है तो हम दोबारा वहां पर सुमोटो का जिस तरह जैसे सुमोटो के इख्तियारात जजेस को होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इसी तरह ये कोई मामूली इदारा तो नहीं है। पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान की जमहूरियत इस इदारे के हाथ में, इस इदारे में के पास ही आके रोना है, इन्हीं से एहतजाज करना है, इन्हीं से शिकायत करनी है, इन्हीं के सामने एतराज उठाने हैं। और इनके अगर कुछ मेंबरान के लिए बाज गश सुनाई दे रही है तो हम इस खदशात से कि पता नहीं ये बात उन तक पहुंची है नहीं पहुंची है, हमने पहुंचा के अपना फर्ज पूरा कर दिया। जनाब है बहुत कम है, जनाब ये सारे बिल्कुल सही है, आपने जो बताया है वो एक बड़ी बदनसीबी होगी कि इंतखाबात से चंद महीने पहले पूरी कौम इस नतीजे में पहुंच जाए कि इंतखाबात फिर 2018 के इंतखाबात की शक्ल में तरीके से होंगे, तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ इससे बड़ी कोई साजिश इस वक्त नहीं हो सकती है। जहां तक आपने बताया है एक बहुत कम गुंजाइश है, लेकिन जब आपका मुकदमा बहुत मजबूत हो, साफ हो, वाजे हो, तो ये गुंजाइश निकालनी पड़ती है। सर ये बताइएगा, एक तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आपको यकीन नहीं है, शिकायत की आपने? नहीं, यकीन है, उम्मीद है। आपने कहा कि उम्मीद है लेकिन यकीन नहीं, लेकिन मैंने यकीन की वजह भी बताई है जी सर, कि इनके नीचे जो हमला है उसके ऊपर हमारे शदीद खदशात है। सर जो आप शिकायत लेके आए हैं, किस हद तक आपको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन आपके एतराजात करेगा? सर ये बताइएगा कि आज इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को भी तलब किया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं मिल रहे, तो सर इस मामले में इलेक्शन होना किस हद तक यकीनी है या गैर यकीनी का इलेक्शन शिकार है? देखिए इंतखाबात के बारे में सच्ची बात है जो आपकी बात है कि बड़ी वजाहत से बात सामने आनी चाहिए ताकि कौम में इबहाम ख़त्म हो सके। वो इबहाम मौजूद है, ये इबहाम इंतखाबात को मशकूक करेगा और इसकी तैयारी के हवाले से भी लोग दोरे इबहाम का ही शिकार रहेंगे और गुमागू की कैफियत अभी है। और जो आपने कहा है हम तो एक उम्मीद के साथ ही आए हैं और यकीन लेके जाना चाहते हैं, और अगर हमारे इतराज़ात गलत हैं तो हमें बताना पड़ेगा उनको कि किन वजूहात की वजह से गलत हैं, आपने नहीं बताए। एमकेएम के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको देते हैं। नवाज शरीफ की जेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास जारी, लीगी कायद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सावला और दीगर रहनुमा शरीक हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से पार्टी के लिए मौसम उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। पार्लिमानी बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी की आम इंतखाबात में पार्टी टिकट देने की सिफारिशात पर गौर करेगा। नवाज शरीफ की जेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास जारी, लीगे कायद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्ला और दीगर रहनुमा शरीक हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से पार्टी के लिए मौसम उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। पार्लिमानी बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी की आम इंतखाबात में पार्टी टिकट देने की सिफारिशात पर गौर करेगा। नदीम चौधरी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी नदीम, बताएगा इस सिलसिले में कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि नून लीग का टिकट उन्हें मिले? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का जो दूसरा इजलास है वो आज कायद नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पार्टी सिटी मॉल टाउन में हो रहा है। इस इजलास में न सिर्फ पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज उसके साथ सेंटर इसहाक डार में दीगर जो पार्लिमानी बोर्ड के अराकीन है वो तमाम के तमाम मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो डिवीजन कोऑर्डिनेटर और दीगर रहनुमा है वो भी इस इजलास में मौजूद है। आज का जो इजलास है ये रावलपिंडी डिवीजन का इजलास है, जिसमें रावलपिंडी के इजलास के जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यू होने थे, लेकिन बाद नागुजीर वजूहत की बिना पर जेहलम का जो फैसला है वो बाद में किया जाएगा। जेहलम के जो उम्मीदवार हैं उनको वापस भेज दिया गया है, जबकि जिला रावलपिंडी, अटक और चकवाल के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्के के जो उम्मीदवार हैं उनको आज यहाँ पर रोका गया है, उनके आज इंटरव्यू किए जा रहे हैं, उनसे उनकी पार्टी वाबस्ती इलाके में जो वो फलाही कामों से जो व्यवस्था है और इसके साथ साथ दीगर जो अमूर है उनके ऊपर उनके इंटरव्यू किए जा रहे हैं। आज के इजलास में जो कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं
जो कि डिविजनल कोऑर्डिनेटर और जिली कोऑर्डिनेटर थे, उनकी सिफारिशात के ऊपर भी गौर किया जाएगा और मुमकिन तौर के ऊपर आज ही उनकी टिकटों के जो फैसले हैं वो कर लिए जाएंगे। मजबूरी तौर के ऊपर तकरीबन 126 जो उम्मीदवारान हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। दोपहर को उनके लिए दोहराने का भी इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद ये सिलसिला तकरीबन शाम 5 बजे तक जारी रहने का इम्कान है। पहला इजलास हफ्ते के रोज़ हुआ था जब सरगोधा डिवीजन के जो तमाम के तमाम उम्मीदवारान थे उनके फैसले, उनकी टिकटों के फैसले किए गए थे। तकरीबन 70 से 80% हलकों का फैसला कर लिया गया था, जबकि जो 20 से 30% हलके थे उसमें कुछ ऐसे मुतनाज़ इलाके थे या मुतनाज़ उमूर थे जिसकी वजह से कमेटी बना दी गई थी। तो आज भी देखा यह जाएगा कि कौन कौन से हलके हैं जहाँ पर टिकटों के फैसले कर दिए जाएंगे और वहाँ पर जहाँ पर कोई ऐसे हलके हों जहाँ पर ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुतफिका कौमी माशी मंसूर ही पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। शहबाज शरीफ कहते हैं सियासी और जज्बाती बयान से नहीं पॉलिसी इकदाम से आवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज कायदे हिज्ब इख्तलाफ के तौर पर दी थी जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफिक हो चुकी। इंतखाबात में कामयाबी मिली तो नवाज शरीफ की क्यादत में कौमी तरक्की के माशी मंशूर पर अमल करेंगे। मुतफिका कौमी माशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से बाहर निकाल सकता है। शहबाज शरीफ मजीद कहते हैं सियासी और जज्बाती बयान से नहीं पॉलिसी इकदाम से आवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज कायदे हिज्ब इख्तलाफ के तौर पर दी थी जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफिक है। नैब की कोशिश यही है कि लोगों से कोई ज्यादती ना हो। चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद की गुफ्तगू, कहा खौफ व हिरास का तासर खत्म करना होगा, हमें चोर को पकड़ना है पूरे मोहल्ले को नहीं। नैब के बारे में सुस्त रवि का तासर किसी हद तक सही है। नैब की वजह से हमारे मार्शे में, हमारे दफातर में कोई खौफ है तो नैब फिर अपना काम नहीं कर रहा। हमने सिर्फ एक चोर को पकड़ना, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। नैब आपको तंग नहीं करेगी, आप खुल के बढ़ चढ़ के मुल्की तरक्की में अपना क्लीदी रोल अदा करते रहें। हम गैर जरूरी तशहीर से इतनाब करेंगे, दिल नोट बी एनी सेल्फ प्रोजेक्शन। इवन जो मुलजिम है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी सीरी स्टेज के ऊपर, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर और कोशिश करेंगे इवन इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे। तो ये मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ कि नैब बदल के रहेगा, ये मेरी कलीदी जिम्मेदारी है कि हम इसको बदल करेंगे। साइफर केस की अडियाला जेल में समा, साइफर केस फर्दर जुर्म की तारीख मुकर्रर। आपको बताएं बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। बानी पीटीआई पर 12 दिसंबर फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। बुशरा बीबी, अलीमा खान, शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटी और बेटा भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। खसूसी अदालत के जज अबुल असनास उल्कुनैन समाअत कर रहे हैं। साइफर केस की अडियाला जेल में समा, साइफर केस फर्दर जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई। बानी पीटीआई पर 12 दिसंबर को फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में मौजूद हैं। इसके अलावा बुशरा बीबी, अलीमा खान, शाह महमूद कुरैशी की अहलिया, बेटा और बेटी भी कमरे अदालत में मौजूद हैं। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनास उल्कुनैन इस केस की समाअत कर रहे हैं। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत जारी है और साइफर केस फर्दर जुर्म की तारीख को मुकर्रर कर दिया गया। बानी पीटीआई पर 12 दिसंबर को फर्दर जुर्म आयद की जाएगी और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। बुशरा बीबी, अलीमा खान, शाह महमूद कुरैशी की अहलिया, बेटा और बेटी कमरा अदालत में मौजूद हैं। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनास उल्कुनैन इस केस की समाअत कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अहम खबर। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। जवाब में लिखा, मैंने दो आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं, मेरी दोनों आईनी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्तदा है कि मुझे जारी करदा शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी जहांजेब, बताएगा क्या जवाब जमा करवाया गया? देखिए, जस्टिस मुजाहिर नकवी की जानिब से जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो के सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, उनके 30 नवंबर के नोटिस का जवाब जमा करवाया है और उसमें ये मौका इख्तियार किया गया है कि उनको जारी करता शो का नोटिस विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए, उनकी आईनी दरखास्तें खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने मजीद ये कहा है कि रजिस्ट्रार को तो ये इख्तियार ही नहीं है कि वो आईनी दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला करे। कानून के मुताबिक जजिस की 3 रुकनी कमेटी ने ही दरखास्त का
जायजा लेना है और उसने तय करना है। फिर जस्टिस मुजैर नकवी अपने जवाब में ये भी कहते हैं कि मेरे वकील ने कभी ये नहीं कहा कि इल्जामात वाज़े होने के बाद कानूनी एतराज नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तैनाती की मुखालफत वाले एतराज पर जब चीफ जस्टिस ने कौंसल इजलास में वजाहत की तो उसके बाद मैंने इस एतराज से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। एतराज वापस लेना जो है ये समझ कर लिया गया था, कौंसल ने अपनी गलती को तस्लीम करके शो का नोटिस जारी किया है। और फिर इसमें ये भी कहा गया है कि 20 नवंबर को पहली आईनी दरख्वास्त दायर की जिसकी भरपूर पैरवी करूंगा। इसके अलावा ये भी कहा है कि मेरा जो केस है वो न सिर्फ ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए बल्कि इससे पहले तीन रुकनी कमेटी को भी ये मामला है। कहते हैं कि आईनी दरखास्तें तीन रुकनी कमेटी के सामने रखे जाए। बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल में कैद अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात, वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी की हालत पहले से ज्यादा खराब है, अल्फाज नहीं है कि हालत बयान कर सकूं। डॉक्टर फौजिया ने कहा आफिया सिद्दीकी को फिर उसी हालत में छोड़ आई हूँ, मुलाकात के अख्तिताम पर बहुत दुखी हूँ। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के वकील ने बताया दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की इजाजत नहीं थी। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर जामिया पेशावर के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। एहतजाज के बायस दफ्तरी उमूर ठप कर दिए गए, क्लासेस का शेड्यूल भी जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ है। मुलाजमीन को गवर्नर और मेयर पेशावर के खिलाफ नारेबाजी उनकी जानिब से की गई। पेशावर के डिस्ट्रिक्ट मेयर के दफ्तर में हालात कशीदा, फायरिंग भी की गई। मुजाहरीन का कहना है जब तक हुकूमत तनख्वाह रिलीज नहीं करती तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जामिया पेशावर के मुलाजमीन का वाइस चांसलर के साथ तनाजा भी एहतजाज की बड़ी वजह है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौके पर मौजूद है। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर जामिया पेशावर के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज के बायस दफ्तरी अमूर ठप हैं, क्लासेस का शेड्यूल भी जुज़्वी तौर पर मुतासिर है। मुलाजमीन की गवर्नर और मेयर पेशावर के खिलाफ नारेबाजी, पेशावर के डिस्ट्रिक्ट मेयर के दफ्तर में हालात कशीदा, इत्तला के मुताबिक फायरिंग भी की गई। मुजाहरीन का कहना है जब तक हुकूमत तनख्वाह रिलीज नहीं करती तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर जामिया पेशावर के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज के बायस दफ्तरी अमूर ठप, क्लासेस का शेड्यूल भी जुज़वी तौर पर मुतासिर। विशाल यूसुफ जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी विशाल, बताएगा इस सिलसिले में एहतजाज जारी है, क्या कहते हैं मुजाहरीन? जी बिल्कुल, पेशावर यूनिवर्सिटी का जाना पेशावर जो पेशावर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें पिछले तकरीबन दो हफ्तों से ये एहतजाज जारी है और मुलाजमीन का यही कहना है कि उनको जो क्लास फोर मुलाजमीन है उनका कहना है कि उनको सैलरी जो है वो रिलीज किया जाए, अभी तक उनकी सैलरी नहीं आई है और दूसरे मुतालबात भी उनके है। तो अभी तक जो दो तीन हफ्ते हो गए हैं इस एहतजाज को, आज तो जो मुलाजमीन है उन्होंने खैबर रोड भी बंद किया हुआ था और उनका कहना है कि जो इंतजामिया है वो जल्द अज जल्द हमारी तनख्वाह रिलीज करे, उनके मुतालबात पूरे करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल यूसुफ जी इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। इस न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।